इसीलिए ब्रेक थ्रू डिप्लोमेसी ये एमईए पब्लिश करता है एवरी ईयर, लास्ट ईयर पब्लिश किया था, इस बार भी अभी दिसंबर में आएगा, दिसंबर या जनवरी में आता है, ब्रोशर आता है 40-50 पेज का है, एक साल में जितनी भी विजिट्स हो गई होगी वो कवर करता है, पिछले साल का है फोटो तो ठीक है, न्यू विजिट न्यू विगर, देखते हैं क्या है। टाइमलाइन पहले तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ घूमे, परेशान कर देते हैं। सबसे पहले आए पहले महीने के बाद भूटान गए, वहां से ब्राजील जाते हैं, पता चलता है नेपाल, ठीक है पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाता है, जहाँ जापान जाते हैं, यूएस जाते हैं, ठीक है बराक ओबामा के साथ थोड़ी मीटिंग कर देते हैं, म्यांमार जाते हैं, ठीक है इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, वहां से आपकी एपेक समिट के थ्रू टोनी अबट, ये साहब तो रहे नहीं। अभी देखो कहानी ये चलती है कि एक साल के अंदर वो स्टीफन हार्पर के साथ उनकी बहुत बढ़ती थी, ठीक है जस्टिन ट्रूडो आ गए, ठीक है अचानक टोनी अबट को रातों रात हटाया गया, तो इनकी जो उनके साथ बनती रहती थी वो भी निकल रहे हैं, ठीक है फिर फिजी जाते हैं फ्रैंक बनायामा, ठीक है इसके साथ बात करेंगे, फिजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोग सिलेक्टेड कंट्री से आज करने वाले हैं। सेशल्स जाते हैं जेम्स एलेक्स माइसल मिकल, ठीक है मॉरिशियस जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, मालदीव जाना था बट वो पूरा का पूरा जो कू और उसका जो था अभी जो आपकी यामीन की जो गवर्नमेंट है बहुत वो उसको वहीद को और उसको बहुत परेशान कर रही है, इसके कारण ज्यादा नहीं पड़ा। सिंगापुर जाया जाता है एक ही दिन के लिए, ली क्वान यू का जो फ्यूनरल था जो सिंगापुर के फाउंडर थे उनके लिए, वहां से ठीक है थोड़ी सीन नदी की नजारा करके पेरिस जाया जाता है, ठीक है और फिर वहां से जर्मनी मेक इन इंडिया थोड़ा किया जाता है, और फिर वहां से कुछ बाकी था तो थोड़ा कनाडा भी जाके आते हैं। ये तीन कंट्रीज साथ में थे ठीक है। उस दिन रोहित सर आए थे वडवाना सर, तो वही बता, तो बहुत पॉजिटिव चीज हमको देखने को मिली कि किस तरह से किया था। चाइना की इंडिविजुअल विजिट थी, वहां से मंगोलिया, मंगोलिया से फिर कोरिया जाके आए, फिर वापस बांग्लादेश गए, फिर वहां से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के टूर पे जाके आए, 5 कंट्रीज प्लस रशिया, ठीक है उसके साथ साथ वहां पे एससीओ और ब्रिक्स की भी समिट ऑर्गेनाइज करके आए, बोले वहां पे भी घूम के आएंगे, ठीक है और फिर फाइनली अगस्त महीने के अंदर यूएई जाया जाता है, पता चलेगा वहां से। फिर अभी रिसेंटली एक महीना पहले आपके यूनाइटेड स्टेट्स गए, यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली सितंबर महीने, ठीक है मोदी का मिशन अमेरिका, और फिर वहां से अभी 4-5 दिन पहले ठीक है यूके घूम के आए हैं, टर्की है और अभी एक डालना भूल गया, आज ही गए हैं, ठीक है कल अच्छा मलेशिया आपकी आसियान को विजिट को देखे, विल बी कवरिंग मेनली 2015 की विजिट जो भी है और उनको भी करेंगे, ठीक है आगे वाली। अभी एक साल पुराना हो गया, आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन आएगा भी, अगर आया तो ठीक है राम भरोसे, ठीक है दुआ में याद कर देना। विल बी ट्राइंग टू सी, फिजी से शुरू करेंगे फिर उसके बाद जितने भी नई है यूएई तक करेंगे, यूके अमेरिका हो नहीं पाया क्योंकि उनके लिए अलग से 2 घंटा करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ये वो बहुत सारा है, ठीक है। फिजी की बात कर देते हैं, कहाँ पे आया, छोटा सा कंट्री है, माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया के ग्रुप में आया हुआ कंट्री, ठीक है एकदम कोने में है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज बोला जाता है, 37% इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहाँ पे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है। सबसे पहले 30-30 साल के अंदर हम आज जितने भी कंट्रीज को देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक कंट्रीज के अंदर पता चलेगा 30 साल के बाद हमारा कोई प्रधानमंत्री। सो द मीडिया विच इज क्रिएटिंग दिस नॉनसेंस कि भाई जाके घूमते रहते, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि वी नीड टू रीच टू द स्मॉल स्मॉल कंट्रीज। कल उठ के आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर वोटिंग करानी हो तो एक गुडविल तो चाहिए होगी, तो ये सब कंट्रीज के साथ आप बात नहीं करोगे तो आपके लिए कौन से फेवर करेगा, ठीक है। तो ये सब एक पूरा का पूरा एक डिप्लोमेटिक पैराडाइम है, दिस इज एसेंशियली द पार्ट ऑफ दिस थिंग। ओके एड्रेस द पार्लियामेंट, वहां की पार्लियामेंट को फर्स्ट टाइम एड्रेस भी करके आए, पहले गए ठीक है, इज द फ्रैंक बनायामा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, ठीक है तो सेल्फी डिप्लोमेसी साहब की चलती है हर बार, ठीक है। पता चलेगा कि ही ऑल्सो मेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 12 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, वहां के माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया और जितने भी एशिया वाले जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज है उनके नेता को मिलके आया और एक फोरम बना दिया फिपिक, ठीक है फिर फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ठीक है एक पूरा का पूरा जो 12 कंट्रीज से उनके साथ एक दिन के अंदर गए, ठीक है 19 नवंबर की डेट है, विदिन अ स्पैन ऑफ वन डे यहाँ इतना सारा करके आए, उसके साथ वो 12 कंट्रीज के नेता थे वहां, माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया फिजी सुआ ये छोटे छोटे कंट्रीज है उनको बुलाया गया कि भाई तुम भी आ जाओ और फिपिक नाम की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। आज उसकी सेकेंड समिट की मीटिंग हो गई थी 23rd या 24th August को हुई थी जयपुर के अंदर। ओके सो इफ टाइम परमिट्स मैं आपको जो ओशन इकोनॉमी है उसके अंदर कवर करा दूंगा, ठीक है फिपिक क्या कर रहा है। सो एसेंशियली पता चलेगा कि इसको आगे करते हैं, साथ साथ अनाउंस कर दिया 75 मिलियन की क्रेडिट लाइन, ठीक है सुगर इंडस्ट्री और पावर इंडस्ट्री को, वहां पे बेसिकली ये जितने भी इंडियंस गए थे दे वेंट एज अ बॉन्डेड लेबरर्स, ठीक है अंग्रेज लेके जाते थे उनको शुगर प्लांटेशन के लिए, ये कैरिबियन कंट्रीज हो वहां पे भी इंडियंस की पॉपुलेशन उसके कारण ही। दूसरा हमने फिजी को क्या असिस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बना रहे उसके लिए असिस्ट किया जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम पीजी के डिप्लोमेट्स को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, ठीक है तो बहुत सॉफ्ट पावर का यूज किया जा रहा है, इसी के साथ साथ डिफेंस ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, तो फिजी के लिए हम लोग काफी अच्छा करके आए हैं विदिन अ डे ऑफ वन डे, ठीक है।
और साथ साथ हमने बोला है कि विल प्रोवाइड 5 मिलियन फॉर प्रमोटिंग स्मॉल एंड विलेज एंटरप्राइजेस, जो उसकी रूरल इकोनॉमी है उसको पुश करने के लिए हम लोग 5 मिलियन डॉलर भी और प्रमोट करने का आए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बोला गया है कि विल ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग स्लॉट्स टू फिजियन स्टूडेंट्स, ठीक है। उसको जो डबल कर दिया गया, पहले 100 था तो अभी 200-300 उस तरह से। तो इंडिया फिजी कोऑपरेशन 33 साल के बाद हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव रहा है और बहुत ही डिप्लोमेटिक अगर आउटकम देखोगे तो काफी अच्छा रहा है ये ट्रिप का, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद 4-5 महीना थोड़ी शांति थी, 3-4 महीने तक, और मार्च 2015 में, ठीक है, 10-11 सेशल्स आते हैं, सेशल्स से मॉरिशियस और श्रीलंका का एक 3 कंट्री का ट्रिप मार किया था। फिर से यही 34 साल में फिर से हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है, ठीक है, इसके पहले नहीं जा पाए थे कोई भी प्राइम मिनिस्टर। 4 एग्रीमेंट्स वर मेड, एक तो हाइड्रोग्राफी के लिए हम लोग उसको कॉपरेट करेंगे, हमारे पास एक्सपर्टाइज है, इंडिया मेरीटाइम जो आपकी जो जियोलॉजिकल और सिस्मोलॉजिकल और हाइड्रोग्राफी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हेल्प करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, एसेंशियली इंडिया आप सोलर वोलर के ऊपर काफी रिसर्च कर रहा है, आप थर्मल के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। इसके साथ ओशन एनर्जी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेशल्स इज अ आइलैंड कंट्री, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, इंडिया से एक्सपर्टाइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे मालदीव्स के अंदर GMR बना रहा था, एयरपोर्ट रोड्स बना रहा था, हाईवेज वैसे भी हम लोग बना सकते हैं। इसी के साथ साथ सेम नेविगेशन चार्ट्स, इरोगेशन, ठीक है। तो याद रखने के लिए HRDI याद रखना, ठीक है, हाइड्रोग्राफी रिन्यूएबल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो HRDI 4 पॉइंट एजेंडा है पूरा का पूरा। मिलिट्री बेस स्टेशन भी एस्टेब्लिश करने की बात कर दी गई है सेशल्स के अंदर, ठीक है। बेसिकली जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर ऑन और अफ्रीका के लेके, वहाँ पे मिलिट्री बेस स्टेशन बनाने की कोशिश की गई है। हमने सेशल्स को और भी दिया, डॉनियर एयरक्राफ्ट दे दिए, चेतक हेलीकॉप्टर दे दिया, मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, आप लोग रहिए हमारे साथ, ठीक है। इसी के साथ साथ सेशल्स इज सून गोइंग टू बी पार्टनर, एक हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन चलाने वाले हैं, वहाँ इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स ऑलरेडी है तो सेशल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो सेशल्स के साथ एक गुडविल वहाँ डेवलप हो रही है, ठीक है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंगेज विद एंटी पायरेसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। और ब्लू इकोनॉमी वॉज द की फोकस, ब्लू इकोनॉमी हम लोग एक अलग से ही, ठीक है, मंडे को ले लूंगा मैं, आपका इंडिया अफ्रीका ISIS OBOR एंड ब्लू इकोनॉमी, चार टॉपिक हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है। तो वैसे की टॉक पॉइंट ऑफ फोकस, 1986 में हम लोग सेशल्स को हेल्प भी की थी, ऑपरेशन फ्लावर्स चलाया गया था, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा बहुत कू हो रहा था, जैसे ऑपरेशन कैक्टस हमने 1980s में ही मालदीव्स को बचाने के लिए किया था प्रेसिडेंट, तो सेशल्स के अंदर भी हमारा काफी है। 2015 के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस जिसको दिया गया गांधीनगर के अंदर, ठीक है, वाज दी जस्टिस डी करुणाकरण, सेशल्स के सिटीजन थे, सेकंड टाइम सेशल्स, तो सेशल्स के साथ हम लोग बहुत ही सॉफ्ट पावर भी यूज कर रहे हैं, हार्ड पावर भी उनको दे रहे हैं, मिलिट्री हेल्प भी दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत हेल्प है। और 1980s के साथ हम लोग ITEC इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो हमने अफ्रीका के लिए डेवलप किया था, एसेंशियली सेशल्स को हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तहत ही गिने जाते हैं, हम लोग जब इंडिया अफ्रीका करेंगे तो ITEC का कंपोनेंट कर दिया जाएगा, हम लोग कंटिन्यूअसली इनको हेल्प करते रहते हैं, जितने भी अफ्रीकन कंट्री, ऑल द 54 अफ्रीकन कंट्रीज आर गिवन गुड अमाउंट ऑफ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक हेल्प, क्योंकि 1960s में हमने एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था, ITEC का डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बट वी वर टेक्नोलॉजिकली फेयरली एडवांस है अफ्रीकन कंट्रीज, तो हम लोग उनको मेडिसिन में हेल्प कर रहे थे, साइंस के अंदर हेल्प कर रहे थे, फिर धीरे 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 हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब बढ़ गया तो अफ्रीका को फाइनेंशियल हेल्प देना भी शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वॉज दी मॉरिशियस, 11-12, ठीक है, फिर से ओशन इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया गया, 2-3 बार नरेंद्र मोदी ने ओशन इकोनॉमी को बहुत फोकस किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो हम लोग देखेंगे कि ओशन इकोनॉमी के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है, एंड व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 MOUs वर साइंड एसेंशियली, ओशन इकोनॉमी, कल्चरल कोऑपरेशन, यहाँ पे भी इंडियन ओरिजिन की बहुत पब्लिक है, ऑलमोस्ट 40-50% बोला जाता है इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी उनके लिए भी हम लोग MOUs और एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 500 मिलियन हमने मॉरिशस को ऑफर किया कि भाई ठीक है, हमारी तरफ से एक क्रेडिट लाइन है, गुडविल है इंडिया की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसी के साथ साथ मॉरिशस, अगर आपको पता होगा कि टैक्स हेवन बोला जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा मनी आपका जो राउंड ट्रिपिंग हो रहा है, पैसा यहाँ पे घूम के आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो वी आर ऑन दी वर्ज ऑफ कंक्लूडिंग द टॉक्स रिगार्डिंग द DTA, तो उसको भी आप फोकस करते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट श्रीलंका हम लोग कवर नहीं करें क्योंकि SAARC के अंदर भी शायद आप सबने पढ़ाई होगा कहीं ना कहीं, पर ये छोटे छोटे कंट्रीज है या थोड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्ट कंट्रीज है, वो सबको स्टडी करने की कोशिश करें। फ्रांस था, ठीक है, 20 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किए गए टोटल, ठीक है, सीन नदी में नमो की नाव डिप्लोमेसी पूरी की पूरी चलती है उनकी, ठीक है। और करीबन डिफेंस, स्पेस, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक, रेलवे, एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, साइंस, टेक, एक फील्ड ऐसा नहीं था, सब जगह पे MOUs किए जाते हैं, 20 MOUs आर साइन। पता चलेगा कि हमने राफाल यहाँ से 36 डायरेक्ट परचेस करने की घोषणा कर दी, साथ साथ फ्रांचो हॉलैंड बताते हैं कि हम लोग $2 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे,
एक फंडामेंटल चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, एमओयूज तो बहुत सारे साइन हुए ही है, साथों साथ इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली क्या कहाँ कहा, तो इट विल एनेबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस न्यूक्लियर इंडस्ट्री। अगर आपको अरेवा वाला, जैतापुर वाला जो इशू है, ठीक है, वहां पे ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है। हम लोग पीएसएलवी के थ्रू यहाँ के फ्रांस की सेटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की थी, तो इसरो एंड सीनेस जो फ्रांस का जो आपका सेटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में कॉपरेशन। बेसिकली फ्रांस इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस इन अर्बन प्लानिंग, हेरिटेज कंजर्वेशन, बेसिक सर्विसेज को लेके, साथों साथ आपकी जितनी भी ये रेलवेज है और एनर्जी है, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के अंदर फ्रांस अभी बहुत लीडिंग कंट्री के तौर पे एस्टैब्लिश हो रहा है, तो वहां पे भी हमने एमओयूज किए जो हेल्प करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंट्री इसके बाद वहां से जाता है अप्रैल महीने में ही, वो है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के साथ ऐसा था कि वी द प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट से लेके एनवायरमेंट से लेके रेलवेज, एजुकेशन, लैंग्वेज, साइंस, जो भी आप फील्ड्स है सबके सब के साथ यहाँ क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक फील्ड के ऊपर डिस्कशन चल रहे थे, ठीक है, एंजेला मार्केल के साथ। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया एनओवर जो फेयर होता है, एनुअल बिजनेस फेयर, उसको इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने डिमांड की, जर्मनी को इंडिया ने जर्मनी से अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दो फील्ड के अंदर बोला गया है कि आप हमको हेल्प दीजिए, दे आर वेरी मच एडवांस फेयरली। इसके साथ साथ इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन प्रोग्राम, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं जर्मनी के साथ, ठीक है। ये ट्रिप के अंदर ये एक आउटकम ये भी देखने को मिलता है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के अंदर साइंटिस्ट का एग्जाम आपका एक्सचेंज होना चाहिए, उसके ऊपर भी पुश किया जा रहा है। एनवायरमेंट के अंदर हमने बोला गया है कि वाटर और वेस्ट मैटर मैनेजमेंट के अंदर हम लोग वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दिस वॉज ऑल्सो द एसेंशियल आउटकम। तो हमने बोला गया है कि जर्मनी की जो भी वाटर प्योरिफिकेशन या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या क्लीन वाटर की डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजीज है वो भी वहां से हम लोग बाय करने की कोशिश किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जर्मनी हमको रिन्यूएबल एनर्जी और गंगा के ऊपर बहुत हेल्प कर रहा है। गंगा स्कूपिंग मिशन इसने 2014 के अंदर कंप्लीट भी कर दिया, और इसको और हमारा जो क्लीन गंगा मिशन, जो नमामि गंगे जो अभियान है, उसके अंदर भी जर्मनी बहुत ही एक्टिव पार्टनर के तौर पर उभर के आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे थर्ड लेग पे गए थे, वो था कनाडा, ठीक है। फर्स्ट विजिट बाय इंडियन पीएम इन 40 years, ठीक है। तो पहले 30-30 साल का बेंचमार्क था, अभी 40 साल हो गया है। कनाडा के अंदर अगर आप देखोगे हाल की तारीख में जस्टिन ट्रूडे आए, ठीक है, उनका डिफेंस मिनिस्टर अभी एक इंडियन ओरिजिन का आ गया, सिख, ठीक है। सो एसेंशियली इंडियन डायस्पोरा काफी है, इंडियन डायस्पोरा को हर बार एड्रेस करने की कोशिश की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत चीज है, ठीक है। स्टीफन हार्पर उस टाइम थे, मंदिर में भी जाते हैं उनके साथ, ठीक है। सो बेसिकली बायलेटरल एग्रीमेंट साइन होते हैं एंड $1.6 billion की डील साइन हुई थी, सो इट्स अ फेयरली बिग, और इंडिया के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो बहुत फायदा होगा। कमर्शियल एग्रीमेंट, एरोस्पेस एंड डिफेंस, मेक इन इंडिया, एजुकेशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल आईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। हर एक फील्ड के अंदर हमारे एमओयू साइन हुए हैं, ये $1.6 billion यहाँ कहीं ना कहीं स्पेंड किए जाएंगे। फंडामेंटल इसके अंदर जो आउटकम था वो था कनाडा इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन। पता चलेगा कि कनाडा हम लोग को 5 साल तक करीबन 3.175 मिलियन केजी ऑफ यूरेनियम सप्लाई करेगा। तो इंडिया की जो यूरेनियम नीड्स है, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी की नो नीड्स है, वो ये बायलेटरल विजिट्स के थ्रू फुलफिल हो रही है, ठीक है। हवा में बातें नहीं हो रही है कि भाई जाके फोटो खिंचा के सेल्फी खिंचा के वापिस आ रहे हैं। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए पता है कि यू कैन नॉट गो फॉर थर्मल, ठीक है, अभी कितना कोयला तो है नहीं हमारे पास। सो बेसिकली हमको देखना पड़ेगा, न्यूक्लियर की तरफ जाना पड़ेगा टाइम बींग के लिए, और उसके लिए हमको सोर्सेस चाहिए। वी डू नॉट हैव यूरेनियम अप टू दैट मार्क, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, और कनाडा ने हमको प्रॉमिस किया है कि 5 साल तक देगा। इसके साथ साथ इंडिया ने भी गुडविल बता दी कि वीजा ऑन अराइवल, ठीक है, हमारे भाई बंधु है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ $2.5 billion खाली भारत के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ इनोवेशन सेक्टर है, उसके अंदर कनाडा इन्वेस्ट करेगा एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो इंडिया की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी कनाडा बहुत प्रोएक्टिवनेस दिखा रहा है। तो दिस विजिट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे आउटकम्स देखने को मिलते हैं, एंड हमने कोऑपरेशन, तो टेररिज्म और वायलेंट और एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं तो उसके ऊपर कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश की है, वो सब इसके अंदर आउटकम्स देखने को मिलेगी, ठीक है। वहां से चाइना जाता है, ठीक है, काफी लंबी और बहुत ही लैंडमार्क विजिट रही थी, ठीक है। तो वहां पे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे मजबूत सेल्फी बोली जाती है दुनिया की, कि भाई ली किचांग एंड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फी चलती रहती है, अच्छा है, सेल्फी डिप्लोमेसी वर्क्स बेसिकली, शायद पूछ दे, हाँ ठीक है, 1-2 साल के अंदर व्हाट इज सेल्फी डिप्लोमेसी, डिस्कस द रोल ऑफ सेल्फी डिप्लोमेसी विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, 5 मार्क के अंदर पूछ सकता है, क्यों न्यूज के अंदर बहुत आ रहा है, ठीक है। सेल्फी डिप्लोमेसी के थ्रू आप क्या क्या चीजें अचीव कर रहे हो,
ठीक है, डेफिनेटली पूछ सकता है, खुराफाती एग्जामिनर तो पूछ सकता है, ठीक है। बेसिकली 24 डील्स और कुछ 20 डील के ऊपर इन्होंने कुछ एग्रीमेंट भी किए थे, तो रफली कुछ 45 डील्स थी, उसमें से 24 कॉन्क्रीट थी। तो विद इन अ डे ऑफ विद इन टू डेज स्पैन करीबन 45 से 46 डील साइन की गई थी और $10 बिलियन की पूरी की पूरी एग्रीमेंट की गई थी, ठीक है। तो फील्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, चाइना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करोगे, ट्रेड नेगोशिएशंस, इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है उसके लिए कंसल्टेटिव मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया है, बोले अब इसके थ्रू ही हम लोग जाएंगे। अभी तक ऐसा हो रहा था, इंडिया मुद्दा उठाता रहता था कि भी डेफिसिट है, डेफिसिट है, कुछ लोग। अब कंसल्टेटिव मैकेनिज्म डेवलपमेंट की बात हो गई है, इसके साथ साथ रेलवेज को लेके इंडियन रेलवेज और नेशनल रेलवे अथॉरिटी ऑफ चाइना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, उसकी कोऑपरेशन हो रही है और इंडिया के अंदर शायद हाई स्पीड रेल का एकाध सेक्शन शायद चाइना इंप्लीमेंट कर सकता है। एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम सॉफ्ट पावर के तहत, जैसे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के थ्रू हम लोग आ सकते हैं, या ICCR, इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिनकी बहुत सारी बहुत कम है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से कंपेयर करोगे तो। उसके साथ अब स्पेस कोऑपरेशन, चाइना ने रिसेंटली अभी मैंड मून मिशन भी भेजा था, ठीक है, मार्स के लिए भी अभी रेडी हो रहा है, ठीक है। दूरदर्शन और CCTV, चाइनीज सेंट्रल टेलीविजन, इन्होंने बोला ब्रॉडकास्टिंग को लेके भी हम लोग डेटा शेयरिंग करेंगे। तो बेसिकली सॉफ्ट पावर, IT वे में सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है। नीति आयोग एंड डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच में भी MOUs हो रहे हैं, तो किस तरह से एक्सपर्टाइज शेयरिंग कर पाओगे, ये सब मुद्दे थे और भी बहुत सारे थे, बट आई हैव ट्राइड टू समराइज, ठीक है, आप मेन लिख सकते हो, ठीक है। फिर वहां से मंगोलिया चले जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, सबसे पहली विजिट, ठीक है। आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर गया नहीं था हमारा, ठीक है, तो मोदी जाके वो घोड़ा घोड़ा को फोटा खींच के आ गए या तीर बाण चला दिया, ऐसी चीज नहीं थी, पहली बार प्रधानमंत्री जा रहा है। मंगोलिया को देखोगे क्या इंपॉर्टेंट है, पता चलेगा कॉपर, आयरन, कोल एंड यूरेनियम, चार बड़े सोर्सेज। एक प्राइम मिनिस्टर आपका जा रहा है, पता है कुछ ना कुछ है ना, गोगा मास्टर पता है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तो वैसी चीज है, ठीक है, आया है तो कुछ तो लेके जाएंगे और हमारे देश के लिए लेके आ रहे हैं। पता चलेगा चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाइना का ऊपर वाला है, जैसे नेपाल और भूटान में हम कर रहे हैं ना, वैसे ही ये उसका डिपेंडेंट कंट्री है मंगोलिया। तो यहाँ पे हम लोग वो काउंटर मतलब हमारा रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं और फायदा ही हो रहा है। देखिए आप, पता चलेगा कि यूरेनियम डील साइन हुई थी 2009 के अंदर, बट वो वर्कआउट नहीं कर पाए क्योंकि वो आपकी जो आपकी इंडो सिविलियन न्यूक्लियर डील थी उसके कारण NSG और उसके बहुत सारे वो इश्यूज आ रहे थे, वो बैरिकेड्स अभी निकल गए हैं। इसको अभी इसके ऊपर फोकस करने की बात हो रही थी ये विजिट के अंदर, ठीक है। इंडिया ने बोला कि $1 बिलियन की हम लोग क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट, हमने नेपाल को दिया था $1 बिलियन अगर आपको पता होगा, ठीक है। नेपाल को शायद एक बार गए जब फर्स्ट टाइम गए थे तो $1 बिलियन बोल के, दो ही कंट्रीज को शायद बोला है, नेपाल को या 600-700 मिलियन के आसपास था नेपाल का शायद, ठीक है, उसी के आसपास था। तो वन ऑफ द हाईएस्ट, क्यों, मंगोलिया के अंदर हमको हमारा सॉफ्ट पावर दिखाना है, मंगोलिया के अंदर हमारी एक्सपर्टाइज जा सकती है, ये सब एक्सट्रैक्शन और ओवर एंड माइनिंग वाला जो एरिया है वहां पे हम लोग घुस सकते हैं, ठीक है, फायदा होगा। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, मंगोलिया बहुत कीन है और इंडिया मंगोलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आप अगर डिप्लोमेसी को देखोगे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आती है वो सबसे ऊपर है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज। तो उसके बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया है, टोटल 14 हुए थे उसमें से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था। तो बिसाइड्स ट्रेड एंड डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, मतलब मंगोलिया हमको कंसल्ट करेगा और हम मंगोलिया को कंसल्ट करेंगे कि ये मुद्दे के ऊपर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या रह रही है। से फॉर एग्जाम्पल WTO को लेके हम लोग साथ में मिलकर बात करेंगे कि आपको नुकसान हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है, तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हम लोग आगे चले गए हैं। तो बहुत पॉजिटिव आउटकम रहा है मंगोलिया ट्रिप को लेके। ओके, वहां से गए साउथ कोरिया, एसेंशियली सिमिलर कंसर्न्स ऑफ अ हॉस्टाइल नेबर एंड हेंस वर टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, वो चाइना की तरफ उंगली कर रहे हैं, बोले ये तुमको परेशान करता है बॉस, हमको भी कर रहा है, ठीक है। यू रियलाइज दिस थिंग कि साउथ कोरिया करीबन $16 बिलियन का हमारा ट्रेड है, 300 से ज्यादा कंट्रीज, ह्यूंडई, सैमसंग, LG, ठीक है, आप मांगो वो सब कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। प्रधानमंत्री ने बोला है साउथ कोरिया की बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज है स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, जहाँ पे जितना भी फायदा हो पाए, ठीक है। इसके साथ साथ डीलिंग हुई थी आपकी DTA और फिसल एवेशन को स्टॉप करने के लिए, टैक्स इवेजन को लेके उसके ऊपर भी मीटिंग हुई है। वी हैव आस्क्ड फॉर कोऑपरेशन ऑन इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट एंड न्यू एनर्जी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो न्यू एनर्जी को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जो साउथ कोरिया की एक्सपर्टाइज है, इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ही पूरा बोला जाता है, ठीक है। आपका ह्यूंडई तो यहाँ पे गाड़ी बेचता है, वहां पे सुपरमार्केट्स भी चलाता है। सैमसंग यहाँ पे आपकी खाली TV बेचता है, वहां पे वो तेल भी बेचता है, ठीक है। सैमसंग का ऑयल आता है, वो भी सीसमी ऑयल, आपका जो तल है ना, तिल, तो तिल में से ये लोग ऑयल निकालते हैं साउथ कोरिया के अंदर और वो तिल को बहुत यूज करते हैं। तो सीसमी ऑयल बेचता है,
ठीक है, तिल सीसमी ऑयल सबसे ज्यादा वहां पे साउथ कोरिया के अंदर खाया जाता है, वो भी इंडिया इंडिया से लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ सीसमी ऑयल इन साउथ कोरिया, तो हम लोग कहीं ना कहीं कंपोज कर देते हैं। इसके साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को लेके भी हमारा कोऑपरेशन एग्रीमेंट रहा है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को लेके भी साउथ कोरिया के साथ हम लोग कोऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं, तो ये डील भी अच्छा रहा, ऐसा कुछ गलत नहीं था। यहाँ से बात आ जाती है सेंट्रल एशिया कंट्रीज, ठीक है, 5 कंट्रीज है, अफगानिस्तान को मत गिनिएगा, ठीक है, ये मैप मैंने अफगानिस्तान को साथ वाला ही ले लिया है, अफगानिस्तान को कोई गिनता है अभी, अफगानिस्तान सार्क में भी गिना जाता है, हम लोग साउथ एशिया बोलते हैं उसको, ठीक है, ये बीच वाला खिचड़ी है, अभी थोड़ा आधा इधर है थोड़ा इधर, ठीक है, तो उस तरह से घूमता रहता है। 5 कंट्रीज है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये पांचों के पांचों स्थान कंट्रीज बोलते हैं। इंडिया की एक पॉलिसी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जिसके तहत ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट रहा। कजाकिस्तान इज द लीडिंग यूरेनियम सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट यूरेनियम सप्लाई उसके पास रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसके साथ फिर से एक लॉन्ग टर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के थ्रू इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलेगा कि कजाकिस्तान फुलफिल करके दे रहा है, ठीक है, तो घोड़ा घोड़ा के साथ फोटो खिंचा दिया, तो 5000 टन यूरेनियम बोला गया है, ठीक है, 2015 से 2019 के बीच में, तो काफी सारा यूरेनियम हमको मिल रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट, ठीक है, उसके साथ भी साइन कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हमारी पार्टनरशिप बढ़ेगी। वहां से फिर जाते हैं किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के अंदर, ठीक है, वहां की इलेक्शन कमी, बहुत 4-5 एग्रीमेंट हुए थे, फंडामेंटल एग्रीमेंट था कि इलेक्शन कमीशन किर्गिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो बढ़ाने के लिए, हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है, फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शंस, हम अफ्रीका में कंसल्ट करते हैं, भूटान करते हैं, दुनिया का एक कंट्री ऐसा नहीं है जहां पे हमने एक्सपर्टाइज हेल्प ना दी हो, ठीक है, इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज, तो किर्गिस्तान को लेके उनकी जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शंस कमीशंस के बीच में टाई अप हुए हैं, तो एक सॉफ्ट पावर जाएगा। इंडिया एज अ गुडविल कंट्री, इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज ट्राइंग टू सेटअप अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अ स्टान कंट्री, ठीक है, सेंट्रल एशिया की कंट्री, तो एक बहुत अच्छा विजिट रहा। ताजिकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिकली, ताजिकिस्तान जाते हैं पता चलेगा कि इंडिया का अकेला एक एयरफोर्स बेस है यहाँ, ठीक है, फारकूर करके जगह है वहां के अंदर, और ताजिकिस्तान की अगर आप लोकेशन देखोगे मैप के अंदर, इट इज ए नियरेस्ट टू द इंडियन कंट्री, ठीक है, इंडियन बॉर्डर से सबसे नजदीक के नजदीक कोई कंट्री होगा तो ताजिकिस्तान है, ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल एशिया के अंदर आपको होल्ड बनाना हो तो ताजिकिस्तान के थ्रू ही जाना है, एक गुडविल के तहत, ठीक है, इंडिया का एकमात्र बेस यहाँ पे है, ठीक है, तो ताजिकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रहा ट्रिप। उसके बाद फिर वहां से लास्ट ट्रिप जाती है तुर्कमेनिस्तान के ऊपर, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के पता चलेगा कि $10 बिलियन की ताफी जो पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने बोला है कि जल्दी करो जल्दी करो, तो तुर्कमेनिस्तान रेडी हो गया है कि भाई हम हमारी बॉर्डर तक ला देंगे, अफगानिस्तान वाला अपना जाने, ठीक है, तो एक मुद्दा हो रहा है कि सिक्योरिटी का सेंटर, ठीक है, 800 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी, 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट, तो नेचुरल गैस की सप्लाई जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा आ रहा है वो फुलफिल करेगा, तो एक साइड पे यूरेनियम, एक साइड पे आपका नेचुरल गैस, ठीक है, तो 2018 तक की बात हो रही है कि कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और अब समझिए कि 16 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैसेस लोकेटेड इनटू दिस गैलिनकेश गैस फील्ड ऑफ ताजिकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, तो ईडीबी इसको फंड कर रहा है सिक्योरिटी, तो इंडिया ने बोला है कि यार जल्दी कराओ हमको फायदा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी बहुत सारा यूरेनियम है, तो हमने बोला है कि भाई यूरेनियम सप्लाई उज्बेकिस्तान भी करेगा, तो एक ट्रिप से आप समझिए कि नेचुरल गैस, यूरेनियम, आपकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो आपको अपनी सिक्योरिटी होल्ड बनानी है ताजिकिस्तान के थ्रू, ठीक है, वो भी आप कंप्लीट कर रहे हो 5 कंट्रीज को एक साथ विजिट करके आने, ठीक है। इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान ने रिट्रेट किया है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अगर सपोर्ट करना होगा तो विल बी द फर्स्ट कंट्री टू हेल्प, ठीक है, तो हमको पीछे से सपोर्ट भी कर रहा है, तो हम उनको थोड़ा बहुत गुडविल के तहत थोड़ा बहुत पैसे दे रहे हैं, तो कोई मुद्दा नहीं आना चाहिए इसको, ठीक है। वहां से उसके बैकड्रॉप के अंदर रशिया जाते हैं, और रशिया को हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, बट ब्रिक्स और एससीओ की समिट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एससीओ बेसिकली शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शांघाई के अंदर 2001 के अंदर फाइनली बना था। पता चलेगा कि पहले 5 मेंबर कंट्रीज से रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फाइनली इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन कर दिया 2016 के अंदर, आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज आप देखोगे तो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, कोऑपरेशन, एजुकेशन, इकोनॉमी, सब फील्ड के अंदर कोऑपरेट कर रहा है। अभी एससीओ बहुत न्यूज में है क्योंकि जैसे आपने AIIB और NDB बनाया है, एससीओ अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक अलग फाइनेंशियल बॉडी होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ फंडिंग करेंगे, ऐसी बातें हो रही है, ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके बैकड्रॉप के अंदर ब्रिक्स के अंदर गए,
ब्रिक्स के अंदर एनडीबी की घोषणा कर दी गई फाइनली 2016 के अंदर। जो फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन ब्राजील के अंदर हुआ था वो डिक्लेरेशन था, इसको एग्जीक्यूट करने की बात कर दी गई। $50 बिलियन का इनिशियल कैपिटल, $100 बिलियन उसके बाद जाएगा। फंडामेंटल चीज एनडीबी के अंदर तो ठीक है, वो तो है कि वन शंघाई के अंदर होगा उसका हेडक्वार्टर, इंडिया से 5 साल के लिए कामत साहब है, देन इट विल रोटेट। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरी कंट्री विल बी असाइन वन वोट। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको ज्यादा पावर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चाइना अगर 50 का 50 बिलियन भी कर दे 100 बिलियन में से, तो भी उसको एक ही वोट मिला जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही जस्ट और फेयर बोला जाता है एनडीबी को, ब्रिक्स को। बट अभी हालत ये हो रही है कि AIIB ने एनडीबी को थोड़ा ओवरशेडो कर दिया। चाइना इनिशियली ब्रिक्स के लिए बहुत ही एक्टिव था, बट जब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उसने बोला है कि भाई, और उसके लिए बहुत पुश कर रहा है, तो एनडीबी को थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया उसने, ठीक है। वहां से यूएई चले जाते हैं 16-17 अगस्त, ठीक है। पता चलेगा कि ये भी 34 साल में सबसे पहली विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। एंड बिगिनिंग ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ पे फिर से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया यूए के बीच में जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में आपके डायलॉग मैकेनिज्म सेट हो गए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ साइबर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, डिस्टर्बिंग सोशल हार्मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा। आप देखेगा यूएई से पिछले 2 महीने में 20 से 25 लोग को डिपोर्ट किया गया। आईसीस का प्रोपोगंडा हम लोग परसों के लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस्लामिक स्टेट का जो प्रोपोगंडा यूएई के अंदर फैला रहे थे, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, रासल खेमा में, अलेन में, ठीक है, अलग अलग जगह पे, वहां से उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया यूएई का जो ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक्ट है, डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट है, बहुत ही मजबूत हो गया है उसके कारण, ठीक है। इसके साथ साथ यूएई ने ये भी सपोर्ट किया कि भाई हम लोग को ये हेल्प करेगा। इंडियन डायस्पोरा करीबन आपका यूएई के अंदर ऑलमोस्ट 4-5 मिलियन के आसपास बोला जाता है, ठीक है। काफी बड़ा डायस्पोरा है हमारी पूरी की पूरी। गल्फ कंट्रीज के साथ अगर आप देखोगे ट्रेडिंग, तो यूएई यूज टू बी द थर्ड और द फोर्थ नंबर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है। तो बहुत सारा रेमिटेंसेस बहुत है, तो बहुत फायदा हो रहा है, ठीक है। और हमने भी बोला है कि वी विल फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ यूएई, ठीक है। यूएई के अंदर भी इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करेगी, उस तरह से पूरी ट्रीटी हुई, ठीक है। ये सब खुद से कर देना आपको।